वहां तो 16 आना देना पड़ेगा, एक आना कम होने से ठाकुर जी कहेंगे हम लेंगे नहीं। ठाकुर जी बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है, हम तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोले हम कंसिडर नहीं करेंगे, 16 आना हमको देना पड़ेगा, पूर्ण देना पड़ेगा, पूर्ण मन को तुमको देना पड़ेगा। मन तो भक्त है, इसको नियमित करने का चेष्टा, संयमित करने का चेष्टा, ये तो भक्त है, भागेगा, ये तो स्वभाव है, लेकिन हम ना भागे उसके पीछे। विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो आवेश है, सबके लिए नहीं, जो वहाँ पहुँच चुके हैं, जो वो भगवत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए ये शब्द है नहीं। ये तो है हमारे जैसे प्राथमिक अवस्था में जो साधक भजन कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने के लिए आलोचना किया जा रहा है। जीति आत्मनंग नियम में शब्दाधीन विषय त्यक्ता, हम संक्षेप में कहते हैं शब्दाधीन, शब्द स्पर्श रूप और गंध, इसका जो विषय, शब्द का विषय दुनिया के नाना प्रकार, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य गीत, ये सब ये हमारे इंद्रिय को विचलित कर देता है और हम विवश होकर उसमें आवेशित होकर के विषय चिंतन करने लगते हैं, विषय हमको अच्छा लगने लगता है, ये इंद्रिय के प्रति हमारे जो आवेश है। तो शब्दादि विषय से दूर रहना चाहिए, कर्ण का विषय, आँख के विषय, दृश्यमान जागतिक रंग तमाशा आदि देखना, इस विषय में आँख को, इंद्रियों को तुम संयमित करने का चेष्टा करना चाहिए। फिर तुम्हारा जीवा के विषय, खाना पीना चटपटी जो जो वस्तु हमारे लिए उचित नहीं है, आहार संयम, इंद्रिय संयम, तो इंद्रिय जो आहार जो है हमारे जीवा को संयमित करने का चेष्टा। तप के विषय, स्पर्श सुख आस्वादन करना, अपने प्रियजन का स्पर्श, स्पर्श से आनंद होता है, अपने अलग अलग संपर्क अनुसार हम स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। शब्दाधीन विषय त्यक्ता राग द्वेष बुद्धस्य, राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। विविक्त सेवी, निर्जन स्थान, एकांत स्थान में रहना चाहिए। हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं इस विषय में, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं, यहाँ जो आए हैं सब थोड़ा सा अपने हृदय को पवित्र करने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं तो अपने वाणी को पवित्र करने के लिए, तत्सहित इसको आलोचना करके अपने मन को शोधन करने के लिए मैं यहाँ बैठ करके आलोचना कर रहा हूँ। मैं किसी को उपदेश देना, ये तो हमारे को इतना अधिकार तो हमारे है नहीं, इतना गुण सामर्थ्य भी है नहीं, इतना अनुप्रवेश भी हमारा है नहीं, ये तो चित्त को शोधन करने के लिए थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। विविक्त से भी एकांत तो स्थान में बास, साधक भजन करना चाहते हैं, अगर वो ज्यादा लोक व्यवहार, ज्यादा लोक व्यवहार में रहते हैं, सबसे मिलना जुलना, सबसे आदर सत्कार खातिर लौकिक व्यवहार, तो कभी उसका मन भगवत चरण में निश्चल होना कदापि संभव नहीं है। एकांत स्थान में उसको रहना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे तो एकांत स्थान माने क्या, घर छोड़ छाड़ के हम जंगल चले जाए, बोले जंगल में जाने से कुछ नहीं होता है, एकांतता माने एकांत, तुम ही हो और कोई नहीं है, बस ऐसा होना चाहिए। जंगल में जाओ चाहे घर में रहो, घर में भी दरवाजा बंद करके एक कक्ष में तुम एकांत में बैठ करके भजन करो, वही एकांत होता है। एकांत माने जंगल नहीं, अभी जंगल है भी नहीं, जंगल में और ज्यादा प्रपंच है, ऐसा नहीं है जंगल जाने से ही मन शांत हो जाएगा, गुहा में घुसने से ही मन शांत हो जाएगा, गुहा क्या करेगा, अरे मन को गुहा में घुसाना पड़ेगा, शरीर को गुहा में घुसाने से क्या होता है, मन शांत हो जाएगा, गुहा तुम्हारा मन को शांत निवृत्त कर देगा। गुहा में बैठे बैठे हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, दुस्संग कोई तो आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, मैंने ये जो दुस्संग है, कुसंग
सबसे बड़ा कुसंग कौन है, संग संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जानना चाहिए। सबसे बड़ा दुस्संग क्या है, दुष्ट संग क्या है, बाहरी संग ये संग नहीं, इतना हानिकारक नहीं। एक बाहरी संग, फिर भीतरी संग, हमारे घर में हमारे जो प्रियजन वो प्रेम करके हमारे मन को खींच लेते हैं, फंसा लेते हैं, संसार चक्र में ले जाते हैं, हम जान भी नहीं पाते हैं जो हमारे प्रियजन ये हमारे मन को खींच करके संसार चक्र में ले जा रहा है, हमको पता नहीं चलता है। हम कहते हैं हम तो बाहर किसी से मिलते नहीं, हम तो बाहर जाते नहीं, हम तो किसी रिश्तेदारी में जा, अरे वो छोड़ दो, वो संग उतना हानिकारक नहीं है। तुम्हारा घर में, घर में दुस्संग हो रहा, दुस्संग माने कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। तुम्हारे जो प्रियजन जो तुमको प्रेम कर रहा है, जिसके प्रेम में फंस करके तुम भगवत चरण भूल करके उनमें अभिषित हो जा रहे हो, हैं, तो घर में जो हमारे जो प्रेम प्रीति ये बड़ा हानिकारक होता है। हम तो पहले ही कह चुके हैं तुमको कोई प्रेम करे प्यार करे उतना हानिकारक नहीं। तुमने किसी को प्यार किया तो मान लो विघातक हो जाएगा। इस हृदय में हमारे जुगल सरकार छोड़ करके, हमारे राधा रानी छोड़ करके किसी के प्रति किंचित मात्र प्रेम नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रेम दिखाओ, शो कराओ, अपने पुत्र परिवार जो भी है सब शो कराओ, लेकिन भीतर से जानना ये कोई किसी का नहीं। कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम, शो कराओ, दिखाना नहीं जो हम बड़ा त्यागी है, हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, घर में अनर्थ हो जाएगा, घर में जो मेंबर है उनके साथ तुम दूर रहते हो, बात नहीं करते हो, ऐसा नहीं। जानो जी हम नौकरी कर रहे हैं, विदेश में आए हैं, ये हम यहाँ हम नौकर हैं। मालिक बनने से बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, नौकर बन जाओ, प्रभु का मालिक बना करके वो नौकर बन के दृष्टा बन के देखते रहो, किसी से प्यार नहीं करना, ये बड़ा विघातक होता है। ये हृदय ये मन किसी को देना नहीं, एकमात्र ठाकुर जी को छोड़ करके कहीं थोड़ा सा भी आसक्त तो नहीं होना चाहिए। लौकिक दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ और कोई भी लौकिक जो भी व्यवहार है, कोई भी व्यक्ति के प्रति किंचित मात्र तुम्हारे प्रेम हो जाए तो कम हो जाएगा। वहाँ वहाँ तो 16 आना देना पड़ेगा, एक आना कम होने से ठाकुर जी कहेंगे हम लेंगे नहीं। ठाकुर जी बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है, हम तो थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, लेकिन ठाकुर जी बोले हम कंसीडर नहीं करेंगे, 16 आना हमको देना पड़ेगा, पूर्ण देना पड़ेगा, पूर्ण मन को तुमको देना पड़ेगा।